हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु सज्जाद। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज कोड 319 के चैप्टर नंबर 11 एंड 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट मिस दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग प्रमाइसेस? प्लानिंग प्रमाइसेस किसे कहते हैं? Making assumptions about the future environment of business is the second step in planning. These assumptions about the future environment of the business are known as planning premises. Planning premises मतलब assumptions करना कि मेरे future environment business का किस तरीके से रहेगा। Next question, what are the steps in planning? Planning के क्या क्या steps होते हैं? Number one, establishment of objectives. Number two, making assumptions, establishing premises about the external and internal condition. Business के जो internal और external condition होते हैं उसे दिमाग में रखते हुए आगे के assumptions बनाना। डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्लान ए है तो प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, क्या मेरा ऑल्टरनेटिव काम करेगा? सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, मुझे प्लान ए को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा, और उसके बाद अरेंजिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, उसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्योर, मेथड्स, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सब को आपको अच्छे से पढ़ना है। शॉर्ट में आप इसे ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सब की डेफिनेशन आपको मिले तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग टुगेदर ऑल एक्टिविटीज इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड पुटिंग ईच डिपार्टमेंट अंडर वन कोऑर्डिनेटिंग हेड। एक हेड होगा, उसके अंदर मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब काम कर रहे होंगे, उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अंडर सच स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स इंटरेस्टेड विद ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट टेरिटरीज या मार्केट्स। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट से रिलेटेड होंगे और इसे डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। ईच डिविजनल हेड इज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, और इसके लिए हेड भी अलग अलग होते हैं। ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और मार्केट टेरिटरी, या तो ये हेड प्रोडक्ट वाइज होते हैं या मार्केट वाइज होते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, देन प्लीज़ हमारे चैनल गुरु सज्जाद को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे इस तरीके से टेबल वाइज बना करके रिप्रेजेंट करेंगे, सो यू कैन गेट फेच मार्क्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। इनफॉर्मलाइजेशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं इट इज नॉट क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, इट अराइजेस आउट ऑफ नेचुरल डिजायर ऑफ द पीपल टू एसोसिएट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड मैनेजर्स के थ्रू होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है एक लीडर के हिसाब से, ताकि वो ग्रुप के सारे मेंबर्स का ख्याल रख सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज परमानेंट एंड स्टेबल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टेम्पररी एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सेम एज डेलीगेशन। डेलीगेशन की तरह डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। व्हाइल डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड देयर बाई क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ प्लान डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देना कि ये काम इस बंदे को इस तरीके से करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में उसका आउटकम देखा जाता है कि किस तरीके से डेलीगेट किया गया था। डेलीगेशन इज डन टू स्पीड अप द वर्क एंड एसेंशियल इंटरेस्ट। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल एंड इज यूजुअली डन इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टेक्स प्लेस बिटवीन द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन जो है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर्स के बीच में होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म स्टाफिंग। Staffing refers to the managerial function of employing and developing human resource for carrying out the various managerial and non-managerial activities in an organization. Next question, state the process of staffing. Staffing के कितने process होते हैं? सबसे पहला manpower planning, उसके बाद job analysis किया जाता है, उसके बाद recruit किया जाता है, उस recruitment से selection होता है, उसके बाद job के लिए placement होता है, induction होता है, फिर employee को training और development दी जाती है, performance appraisal होता है, कंपेंसेशन या रेम्यूनरेशन कह सकते हैं वो मिलता है, और उसके बाद प्रमोशन और ट्रांसफर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया गया है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए इनमें से किसी के भी बारे में, तो आप ये डेफिनेशन टेबल वाइज रिप्रेजेंट करके इसका डिस्टिंग्विश लिख सकते हैं। जॉब एनालिसिस, इसके आंसर है डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। जॉब को एनालाइज करना, क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, किस कैटेगरी के लोग चाहिए, इसे कहते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज एंड प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
जॉब को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करने को जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? डिटरमाइनिंग द एबिलिटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। जॉब को करने के लिए जो एबिलिटी और स्किल की जरूरत होती है उसे जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। रिक्रूटमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयज़ को स्पेशली सही जगह पर खोजना और उन्हें अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, NIOS क्लास 10 या क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे हमारे चैनल पर बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि NIOS एग्जाम फीस कब देनी है, TMA कब सबमिट करने होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, कैसे होंगे, TMA कैसे बनाना है, सॉल्व TMA, सब कुछ, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे देनी है, कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है, सब्जेक्ट वाइज फीस कितनी होती है, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस आर स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, होल्डिंग टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेज, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, इशू ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस देखते हैं। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली, डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल। तो ये वाइड है। इट इज सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। ट्रेनिंग जो है वो टेक्निकल स्टाफ के लिए सूटेबल होता है, लेकिन डेवलपमेंट मैनेजेरियल स्टाफ के लिए सूटेबल होता है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग डेवलप्स ऑलरेडी पोजेस्ड क्वालिटीज। ट्रेनिंग जो है पोजेस जो क्वालिटीज आप में है उसको ही थोड़ा सा डेवलप करता है। डेवलपमेंट आपके हिडन क्वालिटीज को डेवलप करता है और पर्सनल के टैलेंट को निखारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। यहाँ पर बेसिस का एक कॉलम है जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को डिस्टिंग्विश किया है। इस तरीके से टेबल वाइज फॉर्मेट बनाकर अगर आप डिस्टिंग्विश करेंगे तो स्टूडेंट्स यू कैन फेच गुड मार्क्स। रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स। सिलेक्शन एक प्रोसेस है ऑफ पिकिंग अप मोर कम्पीटेंट एंड सूटेबल एम्प्लॉयर्स। ये हो गया मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक सिंपल प्रोसेस है, सिलेक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अप्रोच, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उन सबका एप्लीकेशन लेना ज़रूरी है। प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर आने वाले कैंडिडेट्स को, सारों को तो नहीं लिया जाता है, बट जो सिलेक्ट होकर अगले स्टेप के लिए जाते हैं बस उनको रखा जाता है और बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस रिजेक्शन की वजह से इसे नेगेटिव अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इट इनकरेजेस लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। लेकिन सिलेक्शन में इट अटेम्प्ट्स एट रिजेक्टिंग अनसूटेबल कैंडिडेट्स। सीक्वेंस क्या होता है? रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन की जाती है और सिलेक्शन ठीक रिक्रूटमेंट के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट, रेफरल्स, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। क्वेश्चन में आपसे जितना पूछा जाए आप उतना लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, होप आई यू लाइक द वीडियो। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।